हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बैडमैन। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म पर एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म की स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लकी ने की। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मॉर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ, जब खन्ना, जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बंदी खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहां टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लकी कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके, हत्ता कि इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त की। बैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसले पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रदिका आंटी, एंड सिनेमेटोग्राफी पी सी स्टीम की तरफ से है, एडिट बाई चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, SPE फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसके February 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ और इसमें बॉक्स 207 करोड़ का। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड रदिका जो है ना इस मूवी में आपको खेत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला
केरल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जोनेस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एजा हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज आ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मी कौन लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेहोप लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। कलस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री एड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में लोग के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्यालात को गहराई से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैर बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैर बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फल्कनी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक प्रोग्राम जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मदद किया। लक्ष्मी को ईजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक अख्तराई
खेत पर पहुंचाना जाता है। वो शरद के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी जात की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पाली अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर यही फौदीन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कैंप्स की जगह का तय करने से कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर कही खातन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लकी ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मामन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैट बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मॉर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना, जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर और मुतासर होकर इसने अपनी किताब द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लकी कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके तक इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। एडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रदिका आंटी। सिनेमेटोग्राफी पी सी स्क्रीन की तरफ से है, एडिट बाई चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसके फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ और इसमें बॉक्स 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत
के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड ऋतिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मी कौन, लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। करस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिर के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गांव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतल्लिक सोने मलिक मुमकना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री एड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की जरूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान को इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद फराहम जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी की ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक
अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक फराई ताज के तो पर पहुंचाना जाता है। वो शरद के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जान कर इसकी तहिन करते हैं। पाली अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैद यही फौजियों को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पेट दही खातन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पेट बनाने वाली मशीन बनाती है। पेड़ बनाने के लिए छोटे कारखाने बनाते हैं। फिल्म का इख्तिताम लक्ष्मी और गायत्री के दोबारा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रधिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ, जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स और अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसले पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इस मूवी में किरदार अदा कर रही हैं अक्षय कुमार एंड रधिका आंटी। सिनेमेटोग्राफी पी सी स्क्रीन की तरफ से है, एडिट बाई चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलम्बिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें
तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकंत के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड दीपिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। मिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेहोफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराज को कम करना है। कनस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट प्रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके ख्याल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री से इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलों में मुलाकात न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है जिसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने बल्कि मुमकिन से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जानने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इससे इंटरनेट मुतालिक करता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बल्कनी ऑफ मैनेजमेंट चीज में एमबीए की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद फराहम जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की
तन्वी करता है। बारिकी ने लक्ष्मी की सलाहत को देखा और उसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को ईजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक तराई राज के तो पर पहुँचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी ईजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर यही फौजियों को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मशीन में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पेट दही खवातीन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव से करती है। कम कीमत पेट बनाने वाली मशीन बनाती है। पेड़ बनाने के लिए छोटे कारखाने लगाते हैं। फिल्म का इख्तिताम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मामन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में दान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना, जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर और मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर इस साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके तक इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स में अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देकर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रिधिका आंटी। सिनेमेटोग्राफी पीसी स्ट्रीम की तरफ से है, एडिट बाय चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एसपीई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, बजट इसका 45 करोड़ है।
और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड दीपिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराज को कम करना है। कर्स्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलात में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतल्लिक सोने बल्कि मुमकिन से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में लोग के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरेक्ट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान को इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फल्कनी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की
कोई इंतहा नहीं रही और इसने गैतने को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी की ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक फराई के तो पर पहचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर यही फौजियों को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मशहूर में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर कही खातन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में डाल किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ, जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर और मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बंदी खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहां टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके तक इसकी अपनी कुर्बंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। एडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स और अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इस मूवी में किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रदिका आंटी। एंड सिनेमेटोग्राफी पीसी स्ट्रीम की तरफ से है, एडिटेड बाय चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एसपीई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का।
कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स है 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज आ लक्ष्मीकंत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड रदिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज आ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज आ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज आ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेहोश लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराज को कम करना है। करस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलात में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करती है जिसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में गिल्ले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहाँ से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरेक्ट पढ़ाता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैर बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैर बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक प्रोग्राम जब दोहराए
जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पेड़ की तरह है, लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही, और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी ने लक्ष्मी की सलाहत को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को ईजाद को साल की जिंदगी बदलने वाली एक अख्तराई ताज के तौर पर पहचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी ईजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर यही फौजियों को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर कही खातन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव से सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैट बनाए। इनके सफर को आइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना, जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हद तक इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त की। एडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जबर के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स और अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूती कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसले पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रही हैं अक्षय कुमार एंड रदिका आंटी। सिनेमेटोग्राफी पीसी स्ट्रीम की तरफ से है, एडिट बाय चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एसपीई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसके फरवरी
9/2018 है, इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज आ लक्ष्मीकंत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड रदीपा जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज आ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज आ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज आ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देख कर वो परेशान हो गया। गायत्री इस कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। करस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिर के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त इसे रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने समय शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को पैटी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फल्कनी ऑफ मैनेजमेंट चीज में एमबीए की अमला
कादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद फरहम जब दोहराए जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैड की तरह है, लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को उसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी की ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक अख्तराई ताज के तौर पर पहचाना जाता है। वो शोहरत के लिए गोली मार देती है लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड यही फौजी को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसकी मसूद में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कैंप्स की जगह का तहिन करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड रही खातन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव से सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने हैं। फिल्म का इख्तिताम लक्ष्मी और गायत्री के दोबारा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है जो को इम्बदोर थम्मल नाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मॉर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अज़म से मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया जहां टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर इस साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम के हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता कि इसकी अपनी कुर्बानी तक हर तफसील दुरुस्त की। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भलकी। राइटर भी यही आर भलकी ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रदिका आंटी एंड सिनेमोग्राफी पी सी स्ट्रीम की तरफ से है। एडिट बाई चंदम अरोरा की तरफ से है। म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से। एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है। होप प्रोडक्शन की तरफ से है
एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट है। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफ 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड दीपिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरे के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को मुहावरे के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देख कर वो परेशान हो गया। गायत्री इस कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। कलस्ट फिल्टन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिर के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने समय शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में गिल अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में लोग के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट मुतालिक कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान को इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को पैटी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फल्कनी
ऑफ मैनेजमेंट चीज ने MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है, लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारिकी ने लक्ष्मी की सलाहत को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली अख्तराई ताज के तौर पहचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंपस की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैद यही फौजियन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गाँव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड कही खातन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसके मसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी पारी गांव से दूसरे गांव से सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने बनाते हैं। फिल्म का इख्तिताम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है जो को इम्बडोर थम्मल नाडु के एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर और मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर इस साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता कि इसकी अपनी कुर्बानी तक हर तफसील दुरुस्त की। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स पर अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसले पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्कि। राइटर भी यही आर भल्कि ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रही है अक्षय कुमार एंड दीपिका आंटी एंड सिनेमोग्राफी पीसी स्ट्रीम की तरफ से है। एडिट बाय चंदम अरोरा की तरफ से है। म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है
वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एसपीई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड दीपिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देख कर वो परेशान हो गया। गायत्री इस कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराज को कम करना है। करस्ट फिल्टन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलात में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढील अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की जरूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरेक्ट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्यालात को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैर बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है
और एक अच्छा पैमाने का इंतजाम करता है, लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में एमबीए की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक प्रोग्राम जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है, लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गैतने को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारीकी ने लक्ष्मी की सलाहत को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मदद किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली अख्तराई के तो पर पहुंचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंपस की जगह का बयान करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर यही फौजियों को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मसूद में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गाँव से दूसरे पारी अपने कैंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैर कहीं खवातीन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मामन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ, जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता कि इसकी अपनी कुर्रंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जबर के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स ऑफिस पर अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.7 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाई ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड दीपिका आंटी।
एंड सेनोग्राफी पी सी स्ट्रीम की तरफ से है, एडिट बाई चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है, एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ओवर 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड रदिका जो है ना इस मूवी में आपको खेत्री के रोल में आपको नजर आएंगे, सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे, इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे, हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को मुहावरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देख कर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। क्रस्ट फिल्कन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है, पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके ख्याल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलात में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन इसके दोस्त इसे रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढील अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट पढ़ाता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान को इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके।
इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतज़ाम करता है, लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद पर जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारिकी ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मदद किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली अख्तराई ताज के तौर पर पहचाना जाता है। वो शहरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहरीन करते हैं। पारी अपने कैंपस की जगह का बयान करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड यही पौधे को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसकी मसूद में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड कही खातिन को बेचने में मदद करती है, जो बाद में इसके मसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लकी ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है, जो को इम्बडोर थम्मल नाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मॉर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ, जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर और मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बंदी खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया, जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लकी कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त की। एडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स ऑफिस पर अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई, और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की, राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है।
एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रिधिका आंटी। एंड सिनेमोग्राफी पी सी स्ट्रीम की तरफ से है, एडिट बाय चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसके फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड रिधिका जो है ना इस मूवी में आपको खेत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेहोप लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। कलस्ट फिल्टन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतल्लिक सोने मुतल्लिक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री एड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की ज़रूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरेक्ट मुतालिक रहता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर
लक्ष्मी की हरकतों से हैरान हो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता ताकि इसके ख्यालात को कैटी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है, लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैर बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैर बनाने का इंतजाम करता है, लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक प्रोग्राम जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गायत्री को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। पारी ने लक्ष्मी की सलाहत को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मदद किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली अख्तराई के तौर पर पहचाना जाता है। वो शहरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहिन करते हैं। पारी अपने कैंपस की जगह का तहिन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड यही फौजी को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड कही खातन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की है। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है जो को इम्बडोर तमिलनाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानवी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मोर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बनती खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर इस साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जमहूरियत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमाघरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स ऑफिस पर अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.73 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर बल्कि
राइटर भी यही आर भाई की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इस मूवी में किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रिधिका आंटी। एंड सिनेमोग्राफी पी सी स्क्रीन की तरफ से है, एडिट बाय चंदम अरोरा की तरफ से है, म्यूजिक बाय अमित की तरफ से है एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसकी February 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे एंड रिधिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। हिमिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मीकांत लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देख कर वो परेशान हो गया। गायत्री इस कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेखौफ लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराजात को कम करना है। कलस्ट फिल्कन लक्ष्मी कहां पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गून खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके हाल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गायत्री इसे इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिर के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त से रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पैड देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गांव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं लक्ष्मी ने महावरी से मुतल्लिक सोने मुतल्लिक मुमकिन से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री पैड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूम हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है। पैसे और पनाह की जरूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौर पर काम करता है।
प्रोफेसर का बेटा इसे इंटरनेट पर मुतालिफ कराता है और लक्ष्य और मालूम हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान वो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता ताकि इसके ख्यालात को कैदी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैर बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैर बनाने का इंतजाम करता है, लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद पर जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैट की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गैपने को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। बारीकी ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली अख्तराई ताज के तौर पर पहचाना जाता है। वो शोहरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहरीन करते हैं। बारी अपने कैंपस की जगह का तयन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड यही खौतीन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसकी मसूल में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड कही खौतीन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसके मसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव सफर करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे कारखाने फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है। पैडमैन एक हिंदुस्तानी हिंदी जबान की 2018 की बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसकी तहरीर और हिदायतकारी आरबा लक्की ने की। इसमें अक्षय कुमार और रदिका आबडे मरकजी किरदार में एक जोड़ा मावन कास्ट के साथ। ये फिल्म अरुणा चल्लम मुरुगना नथम की जिंदगी पर मबनी है जो को इम्बडोर थम्बल नाडु के एक समाजी कारकुन और कारोबारी शख्स जिन्होंने दही इलाकों में खातीन के लिए कम कीमत सेंट्री पैड बनाए। इनके सफर को टाइकल खन्ना ने अपनी अफसानी कहानी दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी पर साथ में बयान किया था। मॉर्गन की जिंदगी को ढालने का ख्याल 2015 में इस वक्त शुरू हुआ जब खन्ना जिन्होंने फिल्म में शरीक प्रोड्यूसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम के लिए तहकीक करते हुए इनकी कहानी को देखा। इसकी इस्तकामत और अजम से मुतासर होकर इसने अपनी किताब दी लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में इनके बारे में लिखा। नवंबर 2017 में सोनी पैकेज फिल्म का आलमी तकसीम कार बन गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 14 मार्च को हुआ। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मध्य प्रदेश में नरमिंदी के किनारे छोटे से कस्बे मशहूर में की गई। हिंदुस्तान में फिल्म बंदी खत्म होने के बाद टीम ने न्यूयॉर्क शहर का सफर किया जहाँ टाइम्स स्क्वायर और लिंकन सेंटर के साथ साथ अकवामी मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अहम मनाज़िर फरमाए। मुरुगना नथम की हिंदुस्तान में सेट पर आरबा लक्की कुमार और खन्ना के साथ मिलकर काम किया। इस बात को यकीनी बनाया कि इसने अपनी मशीन बनाने के तरीके से लेकर इसे चलाने के तरीके हत्ता कि इसकी अपनी कुरंसी तक हर तफसील दुरुस्त थी। पैडमैन को इब्तदाई तौर पर योम जबरत के मौके पर 25 जनवरी 2018 को सिनेमा घरों में खुलना था। ये फिल्म बलाखिर 9 फरवरी 2018 को हिंदुस्तान और रूस में थिएटर में रिलीज हुई। इस तरह ये पहली हिंदी फिल्म बन गई जो रूस के बॉक्स पर अपनी असल तारीख पर प्रीमियम हुई और रिलीज होने पर ये एक अहम और तजारती कामयाबी थी और इसने खास तौर पर हिंदुस्तान और चीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया भर में 207.7 करोड़ की मजबूरी कमाई के साथ इसने देगर समाजी मसाइल पर बेहतरीन फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। इस
अगर इस फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है आर भल्की। राइटर भी यही आर भल्की ही है। बेस्ड जो है ना वो दी लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की तरफ से है एंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्विंकली खन्ना की तरफ से है। इस मूवी में किरदार अदा कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रिधिका आंटी। सिनेमेटोग्राफी पी सी स्ट्रीम की तरफ से है। एडिटेड बाई चंदम अरोरा की तरफ से है। म्यूजिक बाई अमित की तरफ से है। एंड प्रोडक्शन जो कंपनी है वो जी कोलंबिया पिक्चर्स की तरफ से, एस पी ई फिल्म इंडिया की तरफ से है, होप प्रोडक्शन की तरफ से है। एंड अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग की तरफ से है। रिलीज डेट इसके फरवरी 9, 2018 है। इसका रनिंग टाइम 140 मिनट का। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। बजट इसका 45 करोड़ है और इसमें बॉक्स ऑफिस 207 करोड़ का। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार एज अ लक्ष्मीकांत के रोल में आपको नजर आएंगे। एंड रिधिका जो है ना इस मूवी में आपको खत्री के रोल में आपको नजर आएंगे। सोनम कपूर जो है ना इस मूवी में आपको एज अ प्री वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। ज्योति जो है ना इस मूवी में आपको सुभद्रा चौहान के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा ए आर रमा एज अ हारिया के रोल में आपको नजर आएंगे। मिका बोसी एज अ सुनील कुमारी के रोल में आपको नजर आएंगी। गाइस अगर फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहानी लक्ष्मी कौन, लक्ष्मी चौहान और गायत्री की शादी से शुरू होती है। लक्ष्मी को अपनी बीवी से बहुत प्यार है और वो उसके आराम और खुशी के लिए कुछ भी करेगी। जब गायत्री को मुहावरी के दौरान आर्जी तौर पर घर से निकाल दिया जाता है तो लक्ष्मी इस मौजू के बारे में इल्म न होने की वजह से बेखबर हो जाती है। गायत्री को महावीरी के दौरान गैर सेहत बख्श छतरे का इस्तेमाल करते हुए देखकर वो परेशान हो गया। गायत्री इससे कहती है कि इस नसाई मौजू पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बेहोश लक्ष्मी अपनी बीवी के लिए सेंट्री पैड खरीदती है जो कि काफ़ी महंगे हैं। गायत्री से इसे वापस करने को कहती है क्योंकि इतने महंगे नैपकिन इस्तेमाल करने का मतलब दूध के अखराज को कम करना है। क्रस्ट फिल्टन लक्ष्मी काम पर जाती है जहां एक कारकुन जख्मी हो जाता है। वो फौरी तौर पर चोट प्रेट लगाता है इसके बावजूद कि दूसरे इसे नापाक कहते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी की तेज सोच को सराहते हैं और कहते हैं कि खून बहाने को रोकने के लिए सबसे साफ सुथरा इंतखाब है। पर जोश लक्ष्मी कुछ रोई कपड़ा और गूंद खरीदती है और एक आरजी पैड बनाती है जो इसके ख्याल में महंगे पैड का बेहतर मुतबादिल है। गैतरी से इस्तेमाल करती है लेकिन पैड अपने काम में नाकाम हो जाता है और वो लक्ष्मी से कहती है कि वो दोबारा खातिन के मामलों में मुदाखलत न करे। लक्ष्मी दोबारा एक पैड बनाने की कोशिश करती है और इसे मेडिकल की एक तलबा को देती है जो इसकी मदद करने का फैसला करती है लेकिन इसके दोस्त इसे रोकते हैं। इसकी परेशानी में इजाफा करने के लिए तालिब इल्म इसके साथ इसकी मुलाकात इसकी बीवी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसका कोई रिश्ता है। लक्ष्मी अपनी बहन को पेट देने की कोशिश करती है इसकी वजह से इसे अपने ससुराल के सामने शर्मिंदा सामना करना पड़ता है। इसके बाद वो बकरे के खून से भरा हुआ गुब्बारा जोड़ कर इससे अपने ऊपर आजमाता है जिसकी वजह से इसे आवाम में इसकी पतलून का खून आ जाता है जिसके नतीजे में जिल्लत होती है। इस अमल की वजह से इसे पूरे गाँव में ढीले अखलाक वाला आदमी करार दिया जाता है। गायत्री के भाई इसे ले जाते हैं। लक्ष्मी ने महावरी से मुतलक सोने मुतलक मुमकिना से लड़ने का अहद करते हुए वहां से जाने का फैसला किया। ये जाने के बाद के सेंट्री एड्स रोई के बजाय ज़्यादा जाजिब स्लोर्स फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी सेंट्री नेपकन में इस्तेमाल होने वाले मवाद के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कॉलेज जाती है।
पैसे और पनाह की जरूरत में वो एक प्रोफेसर के घर में नौकर के तौबा काम करता है। प्रोफेसर का बेटा इससे इंटरनेट मुतारफ कराता है और लक्ष्य और मालूमात हासिल करने में इसकी मदद करता है। प्रोफेसर लक्ष्मी की हरकतों से हैरान हो इसे लाखों मालिक के पैर बनाने वाली मशीनों की वीडियो दिखाता है ताकि इसके ख्याल को बैटरी से उतारा जा सके। इसका उल्टा असर होता है। लक्ष्मी इससे मुतासर होकर अपनी पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। वो पैसे उधार लेता है और एक अच्छा पैड बनाने का इंतजाम करता है, लेकिन इससे जांचने वाला कोई नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट चीज में MBA की अमला बरादरी से मुलाकात करता है और इससे एक पद पर जब वो राय मांगता है तो वो कहती है कि आम पैड की तरह है। लक्ष्मी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही और इसने गैपने को इसे बेखबर और इसका भाई इसे दूर रहने की तनवी करता है। बारिकी ने लक्ष्मी की सलाह को देखा और इसे दिल्ली में एक अख्तराई मेले में मधु किया। लक्ष्मी को इजाद को हर साल की जिंदगी बदलने वाली एक तराज के तौर पर पहचाना जाता है। वो शरत के लिए गोली मार देती है, लेकिन गांव वाले इसकी इजाद की नौयत को जानकर इसकी तहरीर करते हैं। पारी अपने कैंप्स की जगह का तयन करने से इनकार करती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड यही फौजियों को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसकी मसूद में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गाँव से दूसरे पारी अपने कंपेंस की जगह खत्म करने से इनकार कर देती है और एक मायूस लक्ष्मी को अपने पैड कई खवातीन को बेचने में मदद करती है जो बाद में इसके मनसूबे में शामिल हो जाती है। लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे लक्ष्मी और पारी गांव से दूसरे गांव से करती है। कम कीमत पैड बनाने वाली मशीन बनाती है। पैड बनाने के लिए छोटे फिल्म का इंतजाम लक्ष्मी और गायत्री के बड़ा मिलने के साथ होता है।